नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास। ग्राम हरकरणपुर थाना कंपिल तहसील कायमगंज जिला फरुखाबाद में लोगों का कहना है कि ना ही शौचालय मिले और ना ही आवास मिले। बाहर खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं, झोपड़ी पट्टी में रहकर गुजारा कर रहे हैं। ना ही गांव में सफाई हो रही है और ना ही गांव का कोई विकास हो रहा है। वहां उपस्थित महिलाओं का कहना है कि प्रधान द्वारा 2 साल पहले पेंशन कटवा दी गई। नाला जब से बना है तब से सफाई नहीं हुई और ना ही नालियों का विकास हुआ है। यहाँ गांव वाले बिना शौचालय बिना आवास गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। डीएम साहब से कहा, बीडीओ साहब से भी कहा, फिर भी प्रधान ने कोई कार्य नहीं कराया। जातिवाद के कारण कोई कार्य नहीं करा रहे हैं। फरुखाबाद से ब्यूरो चीफ अनिल कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। कलौनी ना मिली हमें, जब तक वही की वैसे का कहा था हमारे ना लड़का ना खाओ ना दे उन ना खाओ जे सब टूटे में रह रही है, टूटे फूटे में रह रहे मेरी लड़की नहीं भाई। तो एक कमरा सिर्फ आएगा अब कम से कम 18-19 समूह ना टा है देवर हमारे और हम सब जने नहीं। प्रधानमंत्री घर घर आवास पहुंचा रहे हैं, फिर भी आपको कोई आवास ही नहीं मिला ना? हमें आवास ही ना मिलो गए। क्यों मतलब क्यों नहीं मिले? अब पता ना क्यों ना मिल रहे है भाई। गांव के लोग जाने कैसे करेंगे, कैसे ना कहा कटवाए दे देंगे। प्रधान से आपने नहीं कहा? हाँ प्रधान से कही ना कहा, प्रधान से कही। फिर प्रधान ने क्या कहा? प्रधान कह रहे अब ना अबकी ना अबकी आए तो अबकी बनवाए दें, अबकी ना अबकी आए तो अबकी बनवाए देंगे। जा कह दे टलावर आए दे दे देंगे ना। हमारे श्याम सिंह लड़का ना बाई मिली, बहू आएगी लड़का है आए, एक कुठरिया गुजर कर रहे हम। साहब जी एक कमरा में लड़ा एक कमरा में 18-20 जने हैं। 18-20 जने हमारे एक कमरा में हम समझे जम गुजर कर रहे हैं। हम बका था तो कछु ना हां तो विकलांग नहीं के उन्हें तो कछु ना हमारे देर तो विकलांग हो बात कछु ना। जी साहब यहां रोटी बना दे ये चूड़ा बनाओ ये ना बनी रोटी तो छत पे लइए मड़ैया धर लई छत पे रोटी बनाओ तू ऊपर ने कसी बात धरी है बाप बनाओ तो रोटी कुठरिया के ऊपर मड़ैया धर लईगी काम करते टूटो फूटो ऐसे डरो ना रखो।